वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था क्वेश्चन नंबर 10। तो 11 का फर्स्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है आपको, प्रपोजिशन फिल करना है जो सही है। तो आपका जो फिलअप दे रखा है वो, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही इज सफरिंग डॉट फीवर। तो ऑफन हम देखते हैं फीवर के साथ में जो प्रपोजिशन आपका न तो आपका आता है, नहीं आता है, नहीं आपका ही ना आता है, फ्रॉम आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th का। 11th का भी हमें क्या करना है, जो सेंटेंस दे रखा है वो पूरा करना है, अदर सेंटेंस दे रखा है। तो वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल। अच्छा, ये शुड क्यों आया है, क्योंकि ना लेस्ट आता है आपका, लेस्ट आपका एक कंजक्शन है, लेस्ट आएगा तो उसके बाद शुड आना जरूरी है ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो क्लियर, देखिए 11th का सी, जो वर्ड मीनिंग जो दे रखी है उनको फिल करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आधे नंबर का है, आधा नंबर एक नंबर का है, तो बी के बाद दे रखा है, इसमें ई आ सकता है, बिट और फिन, जितने भी इसमें आपके डैश दे रखे उतने ही इसमें लेटर्स फिल करने, फालतू नहीं करने। देखो एम ई आर आई, मर्सीफुल, मर्सीफुल मीन्स होता है दया, दया से भरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 11th का डी, पंक्चुएट करना है, देखते हैं पंक्चुएशन कैसे करते हैं। आपको दे रखा है इसमें आपका जो डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, तो डायरेक्ट में करते हैं हमेशा पहला अक्षर जब भी लिखते हैं हम कैपिटल में लिखते हैं, पहला अक्षर किसी भी, अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं कोई भी हम शुरू कर रहे हैं तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो सी सेड टू हर मदर, इसके बाद हम कॉमा और इनवर्ट कॉमा बना सकते हैं, प्लीज को बड़ा कर देंगे पी को, प्लीज गिव मी 1000 रुपीज एज, तो आई आपका स्मॉल दे रखा है, आई हमेशा आई और ओ कैपिटल आते हैं, आई और आपका ओ हमेशा आपका कैपिटल आते हैं, यदि कहीं भी हो अकेले याद रखें, वी ऑलवेज यूज आई एन ओ कैपिटल लेटर्स। वन टू बाय सम बुक्स, और यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगा देंगे और आपका इनवर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, ये आपका टू नंबर का होगा। कुछ कुछ भी करने बहुत ही चाहिए ये, इसमें देखो पहला देखते हैं कि पहला जो लेटर है उसका कैपिटल होना चाहिए, फिर जो कॉमा इनवर्ट कॉमा लगाना है, फिर जो पहला अक्षर कैपिटल करना है पहले वर्ड का अक्षर, ठीक है। फिर देखना है कोई प्रॉपर नाउन तो नहीं है, किसी का नाम तो नहीं है, किसी का नाम होगा तो उसका पहला अक्षर वर्ड कर देंगे, फाइन।